कुशीनगर के कई क्षेत्रों से करीब 7 छात्र छात्राएं यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए थे। रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर बच्चों के परिजन परेशान हैं। वो दिन में कई बार बच्चों को फोन करके उनका हाल चाल पूछ रहे हैं। छात्रों ने यूक्रेन में हो रहे हवाई हमले की तस्वीरें भी अपने परिजनों को भेजी है, जिससे वहां के मंजर का अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं छात्रों के परिजन लगातार भारत सरकार से सभी भारतीय छात्रों को भारत में सकुशल वापस लौटाने की मांग कर रहे हैं। मैं रविंद्र कुमार शुक्ला उत्तर प्रदेश बहराइच का रहने वाला, यहाँ दिनेच्छा मेडिकल यूनिवर्सिटी में थर्ड ईयर का छात्र हूँ। मैं साकेत कुमार मल पटरौना का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ दिनेच्छा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं उदेश प्रताप सिंह जिला श्रावस्ती का निवासी हूँ। मैं यहाँ दिनेच्छा मेडिकल यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। यहाँ के विभिन्न क्षेत्रों में राज्यों में हमारे भारत के लगभग इस समय 15,000 छात्र फंसे हुए हैं और जगहों के कंपैरिजन में यहाँ की स्थिति थोड़ी कम तनावपूर्ण है, लेकिन जो रसिया से सटे इलाके हैं उससे कम तनावपूर्ण स्थिति यहाँ बनी हुई है। और हम उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार से अपील करना चाहेंगे कि वो हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से, हमारा जो दिनेच्छा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है यहाँ से 300 किलोमीटर दूर जो रोमानिया का बॉर्डर है वहाँ तक हमें सेफली पहुँचाने की कृपा करें और वहाँ से हमें इवैक्यूएट करके इंडिया हमारे घरों तक सुरक्षित पहुँचाएं। और उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद। सवेरे 10 से 11 बजे के बीच उससे बात हुई है तो उसने बताया कि हम इससे सुरक्षित हैं, किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, लेकिन मौजूदा समय की जो स्थिति है उससे मन काफ़ी दुखित और चिंतित है। और उनके साथ कौन कौन लोग हैं, कहाँ कहाँ के? उनके साथ उनका रूम पार्टनर है जो लखनऊ का रहने वाला है और कुछ बच्चे उसके साथ साथ जो रहते थे वो निकल गए हैं, घर आ गए हैं, लेकिन ये बच्चे वहीं पड़े हुए हैं। कुशीनगर के भी कुछ छात्र जो हैं क्या उनके साथ था या फिर उनके संपर्क में? नहीं, उनके संपर्क में कुशीनगर का कोई छात्र नहीं है। वैसे उसके बताने के हिसाब से 18,000 से 20,000 तक बच्चे भारत के वहाँ पढ़ते हैं। भारत सरकार से क्या कहना चाहेंगे अभी आप? भारत सरकार के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री से यही कहना चाहेंगे कि बच्चों को जल्दी जल्दी स्वदेश वापस की कराया जाए। कब गए थे स्टडी के लिए, किस समय के गए हुए हैं? ये इनका एडमिशन हुआ था 2019 में, लेकिन जून जुलाई अगस्त 3 महीना अभी घर रह करके सितंबर के लास्ट में फिर यूनिवर्सिटी गए हैं और उनकी पढ़ाई कभी ऑफलाइन कभी ऑनलाइन हो रही थी। बच्चे हमेशा संपर्क में रहे हैं, किसी तरह की अनहोनी की सूचना नहीं।